हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो चलिए वहाँ मैं बताती हूँ और रास्ते में बने रहिएगा, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा। कुछ अच्छा हमारे यहाँ हुआ है, बहुत ही शुभ समाचार आया है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं मिलने। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं कि कहाँ जाते हैं और किससे मिलने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हम फाइनली अब घर से निकल चुके हैं और बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे, तो खाना पीना खिला उला के 3 बजे हम लोग निकले हैं शाम को। तो यहाँ देखिए, इनको छोड़ के बाकी सब लोग जा रहे हैं, अम्मा हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं, तो सब लोग अब घर से बाहर निकल गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए चल रही हूँ। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना फ्रेंड्स कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों से बता दूँ कि मैं आज जा रही हूँ अकबरपुर, जौनपुर से अकबरपुर यानी कि अम्बेडकर नगर मैं जा रही हूँ, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है और काफ़ी दूर है, मतलब कि 3-3.5 घंटे का रास्ता कम से कम लग जाता है, और अगर जामों में फंस जाता है तो 4 घंटे भी लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है मतलब कि देखिए रास्ते का व्यू मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ। और आज ना हमारे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आई हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे बने रहिएगा, वीडियो में स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे जो भी हमारे फ्रेंड्स आए हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँच जाए और आप हमारा प्यारा प्यारा ब्लॉग या वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हम रास्ते का नज़ारा आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, और ये देखिए कितना अच्छा मानसून बना हुआ है, बट बारिश नहीं हो रही है। तो फाइनली चलिए हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। अब हम सस्पेंस नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से बता दूं, मैं आई हूं हॉस्पिटल आज, और हॉस्पिटल में मतलब कि मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी बेटी, हमारे घर की बड़ी बेटी को बेटा हुआ है, और ये देखिए हम आ गए हैं हॉस्पिटल, फाइनली पहुँच गए हैं अब। तो चलिए मैं हॉस्पिटल में आप लोगों को दिखाती हूँ, बेबी से मिलवाती हूँ बाबू से। तो यहाँ देखिए बाबू, कितना प्यारा प्यारा बाबू, आप लोग देखिए और इसको आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए अपनी दादी माँ की गोदी में सो रहा है, अभी आज ही डिलीवरी हुई है। और यहाँ देखिए मतलब हमारी बेटी की दादी है और इनके घर की फैमिली के लोग हैं। और यहाँ देखिए बड़ी दीदी आई हुई हैं, दोपहर की ही आई हुई हैं, कौसाम्बी से इन्हीं की बेटी है वो, और जैसा कि बहुत से व्यूअर्स हमारे जानते ही हैं इनको। और यहाँ देखिए काफ़ी मतलब कि सब खुश हैं, मायके वाले भी, ससुराल वाले भी, वे इतनी बड़ी खुशियाँ घर में आई हैं तो कौन मतलब खुश नहीं होगा, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ देखिए इसको मतलब ऑपरेशन से हुआ है ना, तो थोड़ा सा परेशानी आई हुई है, बट देखिए बच्चे को देख के सब लोग खुश हैं, और नंबर वाइज से सब लोग ले लेके खिला रहे हैं। और हम लोग यहाँ 1.5-2 घंटे थे, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी रात, और अब हम लोगों को निकलना भी था, तो बोले कि भाई तुम लोग बच्चे हो, मामा बन गए हो, तो देख लो, खिला लो थोड़ा सा बाबू को, क्योंकि आज पहला ही दिन था ना, तो डिलीवरी हुई थी तो फिर दिक्कत हो रही थी। और यहाँ देखिए जो है हमारी बेटी PCS ऑफिसर है, सेल्टेक्स ऑफिसर है फ्रेंड्स, और काफ़ी मतलब कि टैलेंटेड है और बहुत अच्छी बेटी है हमारे घर की। तो आज मतलब बहुत बड़ी खुशियां दे दी है ये हमारे परिवार को। तो यहाँ देखिए अम्मा पिताजी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, घर के फैमिली के जितने भी मेंबर थे सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और गांव के भी लोग जितने थे फैमिली में सब लोग आज मतलब थोड़ा सा इंजॉय किए, खुशियां मनाए हों, क्या बताएं, ये बहुत बड़ी खुशी होती है हमारे परिवार के लिए, बहुत बड़ी खुशी है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दीदी और मैं थोड़ा सा पी कुक निकलवाई और वीडियो भी बनवा लिए बच्चों से कह के, और चलिए अब घर से निकलने का यहाँ से टाइम हो गया है, तो अब हम लोग निकल गए हैं और बज गए हैं 8:30। तो ये देखिए जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये रास्ते में एक जेल पड़ता है, उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी बाउंड्री है। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ रास्ते में, और अब हम 8:30 बज गए, काफ़ी लेट हो गया है। तो अब रास्ते में ही हम लोग क्या करेंगे, खाना पैक कराएंगे, अब जौनपुर पहुंच गए हैं। तो जौनपुर में देखिए हमारे घर के पास में ही एक बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, और बहुत ही मतलब कि अच्छा और बहुत ही शुद्ध खाना यहाँ मिलता है, मतलब कोई भी जो भी साफ़ सफाई जो पसंद करते हों वो आसानी से यहाँ आके खाना खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए पूरा गाँव का
इसमें कल्चर दिया गया है, आप आराम से चाहे खाट पे बैठ के खाएं, चाहे टेबल पे बैठ के खाएं, चेयर पे। तो यहाँ देखिए पूरा गांव का जो नेचर दिया गया है वो पूरा गांव का ही दिया गया है। यहाँ कुएं हैं, कुएं में जैसे पहले के लोग कुएं से बाल्टी से पानी निकालते थे वैसा सब दिखाया गया है। और यहाँ फिश पॉट भी रखा गया है दो तीन, तो काफ़ी खूबसूरत है। इसका मैं एक शॉट भी डाली थी। तो यहाँ मैं खाना पैक कराई हूँ, करा रही हूँ। अम्मा पिताजी अभी बाहर ही गाड़ी में वेट कर रहे थे, तो मैं और बच्चे आए थे, खाना सोचे पैक करवा लें क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर जा के घर पे बनाना खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, पूरी रात बीत जाती और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी यहाँ से खाना पैक करा के जाएंगे, फिर पहले नहाएं धुलेंगे फिर खाना सब खाएंगे। तो देखिए ये आपको मैं यहाँ का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस रेस्टोरेंट का। आप कभी अगर जौनपुर में हैं तो बहुत लोग इसके बहुत सारे लोग इसके कस्टमर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग आ गए हैं और बज गए हैं, मतलब कि 11 बज गए हैं और नहा धो के अब जाके फ्री हो गई हूँ और अब चल रही हूँ। रास्ते से खाना लेके आ गई थी तो अब चल रही हूँ, सबको निकाल दे रही हूँ, फिर मैं खाऊँगी फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक। तो यहाँ देखिए अब पिताजी बैठे हैं खाने के लिए। तो यहाँ मैं लाई हूँ बाटी और चोखा है और कढ़ाई पनीर है फ्रेंड्स, और इसमें है रोटी, सिंपल रोटी है क्योंकि बाटी चोखा हम लोग अपने लिए लाए थे और यहाँ की जो जहाँ जो रेस्टोरेंट था ना वो बाटी चोखा वहाँ का फेमस है, तो बाटी चोखा बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो बाटी चोखा हम लोग अपने लिए लाए थे और बच्चे बाटी चोखा खाते नहीं हैं अपने मन से, तो फिर उन लोगों के लिए कढ़ाई पनीर और सिंपल रोटी मैं लाई थी। और यहाँ देखिए इस ये सब, तो चलिए मैं इसको पहले सर्व कर दे रही हूँ निकाल के। यहाँ देखिए ये सब खाने कितने अच्छे से पैकिंग किए हैं रेस्टोरेंट वाले। और इसके साथ जो है मतलब कि चटनियाँ थी, उन प्याज थे कटे हुए स्लाइस में और मतलब काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ देखिए मैं खाना जो है पिताजी का सर्व कर दी हूँ, और चलिए पहले इनको दे के सबको खिला देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए अब खाना पीना खा के हो गए हैं फ्री और बज गए हैं 11:40 हो रहे हैं फ्रेंड्स। और अब जा रही हूँ सोने, सुबह मतलब कि 4:45 पे भी उठना है, सुबह बच्चों का स्कूल है। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है आज और एकदम बहुत ज़्यादा 150 किलोमीटर दूर जाना था और फिर वहाँ से आना था, तो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा थकान हो गई है। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो यही है। और लेकिन जाके जाके इतना अच्छा लगा ना कि पूछिए मत, बच्चे को देख के मन खुश हो गया एकदम। और नानी बनने का जैसे दोबारा मौका मिला, छोटे वाले जो भैया हैं उनकी बेटी उसको भी बच्ची हुई है, तो पहले मैं नानी बन चुकी हूँ एक बार, फिर दोबारा नानी बनी हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है ये सब। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड नाइट।